नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से जो स्टार्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका T20 चैलेंज का मैच, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे और उसके बाद हम लोग ड्रिलिंग पे टीम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक दोनों टीमों के जो भी हर प्लेयर का स्टैट्स वगैरह है सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं डिटेल से। तो वीडियो को ध्यान से देखोगे, आई होप मैं आपको एक एक चीज़ में बारीकी से समझाने वाला हूँ, तो मिस मत करना, फिर आप ही का नुकसान होगा अगर मिस करते हो तो। ठीक है, उसके बाद पहले बता दूंगा दोस्तों, मैंने यहाँ से एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है श्रीलंका वाला NSL 1 Day ट्रॉफी का, तो ये जाकर के आप वॉच आउट कर सकते हो। बांग्लादेश भी हम लोग फॉलो करेंगे और कल से बायजू बंगास T20 चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको मैं मतलब वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराऊँ। और कल से नया T10 भी स्टार्ट हो रहा है, तो कल बहुत सारे मैचेज है दोस्तों और हम लोग बहुत प्रयास करेंगे कि आपको सारा का वीडियो मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँ, तो देख करके चलोगे। ठीक है, तो फर्स्टली अब हम लोग इस मैच पर फोकस करते हैं और यहाँ से इनके हर प्लेयर का स्टार्ट देखते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट देख लेते हैं और उसके बाद आकर के हम लोग ड्रिल पे टीम क्रिएट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्टली हम लोग जो वेस्टर्न टीम है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग उनके टीम के ऊपर। वेस्टर्न प्रोविंस नाम इनका टीम का, और ये सारे प्लेयर अब मेरे हिसाब से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से कैल वेरन आपको दिखने वाले हैं और ये सारे प्लेयर आपको बैटिंग ऑर्डर के साथ खेलता हुआ नजर आ जाएगा। तो चलो जल्दी से एक एक करके जल्दी से इनका देख लेते हैं। अभी तक का अगर इनका 4 मैचेज का रिकॉर्ड देखोगे तो 2 मैचेज विन, 2 मैचेज लॉस, तो उस हिसाब से टीम तो एवरेज लग रही है मुझे, बट अच्छी खासी टीम है, थोड़ा देख करके चलोगे। इनके टीम से अगर आपको ट्राई करना है तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ। जुबैर हमजा आपके लिए बेस्ट वीक रहेगा, T20 में बहुत अच्छा तगड़ा वाला इनका स्टैट्स है, तो इनको आप बिल्कुल भी मत मिस करना है, ग्रैंडली में कैप्टन ट्राई करना है। टोनी डे जॉर्जी हैं, इनका भी बहुत तगड़ा वाला स्टैट्स है दोस्तों, तो इन पर भी थोड़ा फोकस करके चलोगे। उसके बाद बात करते हैं डेविड बेडिंघम, मुझे तो कुछ खास लगा नहीं है, ग्रैंडली में फोकस करोगे इनके बारे में। उसके बाद है जोनाथन बर्ड, 32-42-3-0 का रिकॉर्ड है, बट ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन दूंगा नहीं। कैल वेरन को आपको ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना, बट ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन इनके बारे में भी मैं नहीं दूंगा। जिसे मैं कंफर्म बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे ये लोगो हो गया, देखो ये इमोजी मैंने लगा रखा है ना भाई, इस ये इमोजी जहाँ पर आपको लगा रहेगा वो समझ लेना कि उस प्लेयर को आपको ट्राई नहीं करना है, और जिसमें ये दोनों लगा हुआ रहेगा वो समझना है कि एवरेज है, और जिसमें ये लगा हुआ रहेगा ना भाई तो समझ जाना है कि उस प्लेयर को इंपॉर्टेंट है, अपने टीम में लेकर चलना ही चलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाते हैं वेन पर्नेल के बारे में, तो ये भी मेरे लिए बेस्ट विक है। आपको हर मैच में कंफर्म विकेट तो कंफर्म चटकाता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा देख करके चलोगे, बट अभी तक कोई इशू नहीं है इनके स्क्वाड में। जितने भी प्लेयर है मैं आपको दिखा देता हूँ, बट मेरे हिसाब से जो भी खेलेगा विथ स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे तो इन्फॉर्म करूंगा ही करूंगा, बट कोई भी खेल सकता है, तो सारे प्लेयर के थोड़ा ध्यान दे करके चलना। लाइन भी थोड़ा लेट आता है। कैल सीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, आपके लिए बेस्ट पिक है, रन बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा करता है। सेफो मोरेकी आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना, ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन दूंगा नहीं। नंद्रे बर्गर के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिल्कुल ट्राई करके चल सकते हो। बी वाल्टर्स मुझे कुछ खास लगा नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्यूरेन हेनरिक्स, ये भी अगर खेल जाता है तो ठीक ठाक चॉइसेस बनेगा, बाकी नीचे से तो कोई खेलने वाला है नहीं, तो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। और जो एक टीम और रहने वाली है उसके बारे में जल्दी से हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करके जुड़ जाना मेरे यूट्यूब चैनल से। तो आ जाते हैं हम लोग जो नेक्स्ट टीम रहने वाली है रॉक की टीम, उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो यहाँ से रॉक के टीम के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका भी अभी 4 मैचेस खेल रखा है इन्होंने, 3 मैचेस विन कर रखा है और 1 मैचेस इन्होंने लॉस कर रखा है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो इनकी तरफ से हर प्लेयर को, तो मैं अभी को बता देता हूँ इनकी टीम थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू वेस्टर्न प्रोविंस की टीम से। ठीक है, तो इनके टीम से मैं देखते चलता हूँ, आपको बताता चलता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको हलोमा हनाबे दिख जाएंगी बैटिंग करते हुए। पीटर मलान है, T20 में भी इनका स्टैट्स ठीक ठाक है, उसके बाद टेस्ट में भी इन्होंने भी अच्छा खासा खेल के आ रहे हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, तो आप बिल्कुल ट्राई करके इनको चल सकते हो। इस्माइल गैफिडीन खेलने के चांसेस कम है, तो थोड़ा इन पर फोकस थोड़ा कम करोगे। रोहान टर्बलेंचे के बारे में बात करेंगे, तो इनका भी कुछ खास मुझे लगा नहीं है रिकॉर्ड, तो ग्रैंडली पे फोकस करोगे। स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन दूंगा नहीं। जनमन मिलान आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा, तो आप इनके लिए बिल्कुल ट्राई करके चल लेना, ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन दूंगा नहीं, तो थोड़ा देख करके चलोगे, आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है। मिकी कॉपलैंड खेलने वाला है नहीं, खेलता है तो विथ स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। फ्रेस्को एडम्स आपकी टीम में होने चाहिए, बल्कि कैप्टन भी आप ट्राई करना है ग्रैंडली का, जिसमें दोनों टीमों में आप ट्राई करके चल सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है। हलोमे हनाबे विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा, बट ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन दूंगा नहीं कि आप इनको रोटेट करो। ठीक है, तो इनको ग्रैंडली में रोटेट करोगे। सॉन वैन बर्ग के बारे में बात करूंगा, तो देखो 0 रन 2 विकेट, फिर 24 रन 3 विकेट, यहाँ से 4 ओवर है 34 ओवर नहीं। उसके बाद है 27 रन 0 फिर 0 विकेट। तो अच्छा खासा ये भी बॉलर है, प्लस बैटिंग भी आपको अच्छा करेगा, तो देख करके चलोगे अपनी टीम में होने चाहिए। हार्डस विजलोन के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपको बॉलिंग बॉटिंग दोनों अच्छा कर देता है, बट अगर स्क्वाड में डिक्लेयर होता है तो मेरी टीम में कन्फर्म होगा। जैकलिन ख्वाबे के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 1-1 विकेट दोनों मैच में निकाल रखा है, तो इन पर भी थोड़ा फोकस करोगे। जिहाद अब्राहम के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपको हर मैच में विकेट चलकाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ हम लोग T20 पर फोकस करने चलेंगे, ऊपर टेस्ट का मैंने लिख रखा है, बट देखोगे 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, तो देख करके चलोगे हर मैच में आपको विकेट लेता हुआ कन्फर्म दिखेगा। बाकी नीचे से कोई खेलने वाला है नहीं, अगर कोई खेलेगा भी तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सीनेगलो गोबिनी के बारे में बात करूं तो इनका भी कुछ खास नहीं है रिकॉर्ड, उसके बाद यहाँ से कोई खेलने वाला है नहीं। हाँ, एक खेलेगा क्रिश्चियन जॉनकर, आपके टीम में होने चाहिए, बेस्ट पिक है, तो इनसे बिल्कुल भी आप कंप्रोमाइज़ मत करना। उसके बाद एक क्लाइड फॉर्च्यून आपके टीम में होने चाहिए, एक बंदे एक मैच में 104 रन का पारी भी खेला है T20 में, तो देख करके चलोगे। उसके बाद एक कैल एबोट, ये खेलने वाला है नहीं। उसके बाद है यहाँ से सियावंगा महिमा, इनको आपको ट्राई कर लेना है अगर खेलेगा तो। उसके बाद ईमान मेनैक है, ये 1-1 विकेट आपको ज़्यादा निकालता हुआ दिखेगा, उससे ज़्यादा आपको विकेट चटकाता हुआ दिखेगा नहीं, तो थोड़ा देख करके चलोगे। खनाया डिलिमा खेलने वाली है नहीं इस मैच में। तो यहाँ से मैंने आपको सारा को समझा दिया है। अब हम लोग चलेंगे जल्दी से डिवीजन टीम के ऊपर, और वहाँ चल के हम लोग जल्दी से डिवीजन का टीम क्रिएट करेंगे। तो चलो दोस्तों, जल्दी से हम लोग स्मॉली की टीम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से जल्दी बात कर लेते हैं, खेलेगा कौन कौन। ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं यहाँ से हनुबा हनाबे और क्रिश्चियन फॉर्च्यून। तो यहाँ से सीधा आप पिक कर लो क्लाइड फॉर्च्यून को, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा आपके लिए ठीक ठाक चॉइस में रहेगा। बाकी यहाँ से आप एच हनाबे को भी ट्राई करना चाहो तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, देख करके चलोगे। अगर ये नहीं खेलते हैं तो फिर मैं सीधा एच हनाबे को अपनी टीम में रख लूँगा। बैटिंग सेक्शन पर मैं जनेमन मलान और पीटर मलान दोनों को मैं अपनी टीम में लेकर के चलूँगा, टॉनी डे जॉर्जी को लेकर के चलूँगा और उसका सी जॉनकर को लेकर के चलूँगा, मेरे लिए बेस्ट पिक है। यहाँ से एम यासिन खेलने के चांसेस कम है इनके, उसके बाद यहाँ से आर लेवी, इनके भी खेलने के चांसेस कम है, तो थोड़ा देख करके चलोगे। 88% के करीब सिलेक्शन है। बाकी यहाँ नीचे से कोई खेलेगा भी तो ग्रैंडली में ही फोकस करोगे। ऑलराउंडर सेक्शन पे W पार्नेल आपकी टीम में होने चाहिए, जी लिंडे के खेलने के चांसेस कम है। फ्रेस्को एडम को मैं अपनी टीम में जरूर ट्राई करूँगा, एस बर्ग को भी ट्राई करके चलूँगा, तो ये भी मेरे लिए टीम के कन्फर्म पिक है। जेड ख्वाबे हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट चॉइसेस में रहेगा, तो थोड़ा देख करके चलोगे। 2% के करीब सिलेक्शन है और यहाँ से 12% के करीब सिलेक्शन है एस बर्ग का। तो यहाँ से मैंने आपको जो प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, कि जिसे ग्रैंडली में फोकस करोगे उस पर थोड़ा फोकस करके चलोगे। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे तो कैल सीमेंट्स खेलेंगे भी तो ग्रैंड लीग में फोकस करोगे, कॉपलैंड खेलेंगे भी तो ग्रैंड लीग में, और यहाँ से मुझे तो कुछ खास कॉपलैंड के खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन पर देखेंगे तो आपके लिए जो यहाँ से बी हेनरिक्स है, ब्यूरेन हेनरिक्स खेलने के चांसेस कम है, देख करके चलोगे। यहाँ से मैं ट्राई करूँगा हार्डस विजलोन को, बी वाल्टर्स के खेलने के चांसेस भी कम है, तो थोड़ा देख करके चलोगे। उसके बाद है जेड अब्राहम्स, ये भी आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा। आई मेनैक है, इससे भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ, बट अब आप ले नहीं पाओगे इसे, और यहाँ से मैंने अभी के लिए ये सारे प्लेयर को ट्राई कर रखा है। उसके बाद आप 2 प्लेयर आपको लेना है, एक प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से लेना है और एक प्लेयर आपको बैटिंग सेक्शन से लेना है, सॉरी कहीं से भी आप ले लो, ऑलराउंडर सेक्शन से ले लो या फिर और कहीं से ले लो। तो यहाँ से मैं अभी के लिए लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ से मैं अभी के लिए जेड अब्राहम को ड्रॉप करके यहाँ से आई मेनैक के साथ चले जाता हूँ, और यहाँ से फिर क्या बोलते हैं सी जॉनकर को ड्रॉप करके, सी जॉनकर को तो मैं रखूँगा अपनी टीम में। पीटर मलान के प्लेस में मैं यहाँ से लेकर के चल जाता हूँ जेड अब्राहम के साथ, ठीक है, या फिर पीटर मलान को ही रहने दो भाई, बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। बैटिंग पहले करेगा तो फिर मैं अपनी टीम में ज़रूर कंफर्म लेकर के चलने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जी लिंडे को ट्राई कर लो और यहाँ से ब्यूरन हैंडी को ट्राई कर लो, और उस हिसाब से मेरी ये टीम क्रिएट हो गई है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे यहाँ से तो सीधा आप कैप्टन फ्रेस्को एडम को करना है, ज़्यादा बेटर रहेगा, और वाइस कैप्टन अगर पहले बैटिंग करता है तो फिर जानेमन मलान को भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से W पैनल हैं, आप इनको भी करके चल सकते हो, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी करके चल सकते हो। तो ये भी के लिए हमारी टीम हो गई है। फाइनल टीम वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल से आपको टेलीग्राम पे ही देने वाला हूँ, तो जल्दी से जुड़ जाना। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा पिन किया हुआ। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में नए मदर ट्रिक और वीडियो के साथ। तो चलो जल्दी से आज सब्सक्राइब कर देना और आज आ जाना टेलीग्राम हमारे चैनल पे, बिकॉज इस टीम से बिल्कुल भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना, जो फाइनल टीम टेलीग्राम पे दूंगा उसी से आपको खेलना है। अभी आप टीम सेट करके रख सकते हो। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।